नेक्स्ट है हमारा हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। हार्ट चक्र इज द नेम, इंग्लिश नेम, और हम इसको हिंदी में बोलते हैं अनाहत। ये हमारा ग्रीन कलर का होता है, और ये हमारे, इसकी जो लोकेशन होती है वो हमारे हार्ट में होती है, हमारे सीने में स्थिर होता है। अगर ये चक्र हमारा बैलेंस्ड होता है तो हम भय और तनाव से दूर रहते हैं। इमोशनली कहते हैं ना, भावात्मक रूप से अपने और दूसरों को समर्पित कर पाते हैं, हमारे अंदर समर्पण की भावना आ जाती है। मानसिक रूप से हम बहुत ज्यादा स्थिर हो जाते हैं, और ये चक्र हमको आध्यात्मिक रूप में भी, हमारी स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ करता है, आध्यात्मिक रूप में हमको आगे बढ़ाता है, हमारे अंदर समर्पण की भावना को लेकर आता है, अगर हमारा ये चक्र बैलेंस होता है। और अगर किसी वजह से ये चक्र हमारा बैलेंस नहीं होता है तो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इमोशनल वैक्यूम हो जाता है। ऐसे लोग छोटी छोटी बातों में रोना शुरू हो जाते हैं, बहुत भावुक होते हैं। और इसका एक और उपाय हम ये भी बताती हूँ कि रात को आप जब भी दूध पिए, सफेद चीज जब भी खाएं, उसको कुछ कलर करके खाएं, सफेद चीज ना खाएं। जैसे अगर आप दूध पीते हैं तो आप उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल के पिए या केसर डाल के पिए, अपने हाथ से किसी को दूध ना देना। जिसको पीना है वो खुद से लेके पी। और जब आपको पानी पीना है ना, तो कई लोगों की आदत होती है कि वो जैसे पानी पीते हैं ना तो थोड़ा सा पानी छोड़ देते हैं उसके अंदर, वो ना करें। जितना पानी पीना है उतना ही ग्लास में ले और उसको पूरा फिनिश करें। तो हम पानी जैसे बीच बीच में हम छोड़ देते हैं और हम उसको ऐसे फेंक देते हैं पानी को, वो हमारे चंद्रमा को कमजोर बनाता है, हमको भावुक बनाता है। और छोटी छोटी बातों में हम ऐसे लोग रोने शुरू हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, उनकी जो कहते हैं ना, हम कैसे समझाऊं मैं आपको, जैसे मतलब छोटी छोटी बातों में वो बहुत ज्यादा एकदम से इमोशनल हो जाते हैं, एकदम से रोने शुरू हो जाते हैं, दूसरा बंदा ही घबरा जाता है उनसे बात करने से, उसको लगता है भी ये रो पड़ेगा, बहुत ज्यादा इमोशनल, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। हमेशा उनके जीवन में एक खालीपन होता है, कोई भी उनसे दो मीठे बोल बोले तो वो सोचते हैं ये मेरा है। छोटी छोटी बातों पे सॉरी बोलते हैं, घबराहट होती है, डर की भावना होती है। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसे लोगों को लंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, ऐसे लोगों को कैंसर जैसी प्रॉब्लम, लंग कैंसर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि ऐसे लोग जो होते हैं, जो उनके इमोशंस होते हैं वो बहुत ही दबे हुए इमोशंस होते हैं, उनके अंदर बहुत कुछ होता है लेकिन वो अपने इमोशंस को कभी बाहर ही नहीं निकालते, और वो धीरे धीरे ब्लॉकेजेस बन जाती हैं उनके हार्ट चक्र में, जो उनको हार्ट अटैक जैसी बीमारी उनके जीवन में आ जाती है। और इसकी जो लोकेशन होती है वो हमारा हार्ट होता है, हमारे लंग्स होते हैं, हमारा शोल्डर होता है। सेंटर ऑफ लव होता है ये, अगर हमारा बैलेंस है ना ये, तो हमारा सेंटर ऑफ लव है, हमें सबसे प्यार हो जाता है अपने आप से, हमें पता ही नहीं चलता, और सब लोग हमसे प्यार हो करने लगते हैं। हमारी लाइफ बैलेंस होनी शुरू हो जाती है, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हमारी बढ़ जाती है। एलिमेंट कौन सा मैम? एयर एलिमेंट। अगर ये चक्र ब्लॉक है तो हमको नींद की प्रॉब्लम हो जाती है,
जिसको हम बोलते ना इनसोमिया, कि नींद नहीं आती, नींद की कमी। ऐसे लोगों की ना ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी होती है, जल्दी जल्दी सांस लेते हैं, छोटी छोटी सांस लेते हैं, ऐसे लगेगा कि घबरा रहे हैं। वो घबरा नहीं रहते, उनको उनकी ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। कई लोग बहुत हेल्दी होते हैं, कई लोग बहुत मोटे भी होते हैं लेकिन फिर भी वो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत चुस्त होते हैं, उनको कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उनका हार्ट चक्र स्ट्रांग होता है। और कई लोग बहुत पतले दुबले से होते हैं लेकिन फिर भी उनको सांस चढ़ता रहता है, घबराते रहते हैं, उनको बीपी की प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि जो लोग मोटे होते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर उनका हार्ट चक्र स्ट्रांग है तो उनको हाई बीपी नहीं होता। यही बात हमारी सोलर जो हमारा ये है मणिपुरा चक्र है, इसमें भी यही बात होती है कि ब्रीथिंग, हमारी ब्रीथिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तेज ब्रीथिंग, छोटी छोटी सांसें हो जाती है। आप हमेशा देखना जब भी आप महसूस, कई लोग बहुत मोटे भी होते हैं लेकिन फिर भी वो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत चुस्त होते हैं, उनको कोई ब्रीथिंग प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि उनका हार्ट चक्र स्ट्रांग होता है। और कई लोग बहुत पतले दुबले से होते हैं लेकिन फिर भी उनको सांस चढ़ता रहता है, घबराते रहते हैं, उनको बीपी की प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि जो लोग मोटे होते हैं उनको हाई ब्लड प्रेशर होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर उनका हार्ट चक्र स्ट्रांग है तो उनको हाई बीपी नहीं होता। यही बात हमारी सोलर जो हमारा ये है मणिपुरा चक्र है, इसमें भी यही बात होती है कि ब्रीथिंग, हमारी ब्रीथिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, तेज ब्रीथिंग, छोटी छोटी सांसें हो जाती है। आप हमेशा देखना जब भी आप महसूस करना कि आपकी सांसें कैसी हैं। आजकल जो लोग हैं या आजकल जो हमारा सोसाइटी चल रही है, जो हमारा आजकल जो हमारा इन्वायरमेंट है, आप देखना लोग छोटी छोटी सांस लेते हैं, आधी बात बोलते हैं, आधी बात बोल ही नहीं पाते। जैसे आप अपनी ब्रीथिंग एक्सरसाइज करते हैं, जब आप अपनी नाभि से सांस लेंगे तो आप देखना आप कितने आपको रिलैक्स फील होगा। जब भी कभी आपको परेशानी हो, डिस्टर्ब हो, लंबी लंबी गहरी गहरी सांसें लेंगे, आपको थोड़ी देर में एकदम से रिलैक्स फील होना शुरू हो जाए। जितनी हम लंबी सांसें लेते हैं ना, हमारी उम्र भी लंबी होती है। छोटी सांसें लेंगे तो हमारी उम्र छोटी हो जाती है, क्योंकि हमें छोटी सांसों से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाती, जिसकी वजह से हमें बीमारियां लग हो जाती है। लंबी सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और ये मैंने बताया आपको, इसका कलर ग्रीन होता है और इसका जो बीज मंत्र है वो है यम, और ये हमारे हार्ट की तरह हार्ट पे लोकेटेड होता है, और इसका एलिमेंट जो है वो है एयर।